हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ त्रिवेल्युवर यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपको किस तरह से इसमें एलिजिबल होंगे, कौन कौन से इसमें कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका जल्दी ही रिलीज होगी यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए। आपके सामने यहाँ पे फॉर्म आएगा, इसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स एंड देन आपको गेट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड देन आपको गेट फ्री काउंसलिंग में क्लिक करना है। इससे क्या होता है, आपके ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर दिया गया त्रिवेल्युवर यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पर दिया गया 2002 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे वेल्युवर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था तमिलनाडु के। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोर्सेज, यहाँ पर आर्ट्स एंड साइंस के कोर्सेज के लिए। और इस आर्टिकल्स में जो है इस आर्टिकल में दिया गया है कि इन्फॉर्मेशन से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में इस आर्टिकल्स में दिया गया है। यहाँ पर जैसे नोटिफिकेशन आया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है जल्दी रिलीज होंगी। आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्या गुड न्यूज़ है, इंडिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में पारुल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन स्टार्ट है फ्री फ्लो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इस यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का डेट हो गया, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सभी से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं किया गया। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में आप दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 200 दिया गया है एंड एससी एंड एसटी के लिए 100 दिया गया है। और यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको इस वेबसाइट आपको इस एड्रेस पर देना रहता है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया, कोर्स यहाँ पर दिया गया एम ए कोर्स के लिए, तमिल के लिए यहाँ पर दिया गया अ कैंडिडेट्स हु हैज़ पास्ड बीए डिग्री एग्जामिनेशन, और जो पास्ट है बीए डिग्री विद तमिल एंड मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इक्विवेलेंट, मेन सब्जेक्ट से तमिल से एंड मेन सब्जेक्ट उसका है इक्विवेलेंट, तो ये वो एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पर ड्यूरेशन दिया गया 2 ईयर्स का और यहाँ पे इनका एडमिशन थ्रू है, यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होगा, 50% होना चाहिए और यहाँ पर देखा 50% इन द क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम दिया गया। सो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं रिज़ल्ट, रिज़ल्ट एग्ज़ाम को कुछ दिन बाद आती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है तो आप वहाँ पर अपना रिज़ल्ट दे सकते हैं। अगर आपने रिजल्ट देख लिया तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पीडीएफ भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस दिया गया है, एडमिशन प्रोसेस क्या दिया गया, एक्सपेंसेस ऑन एप्लीकेंट्स फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म इज फिक्स्ड एट ₹48+₹2 फॉर रजिस्ट्रेशन, द एप्लीकेशन फॉर्म मे बी रिलीज्ड आफ्टर 5 डेज, एप्लीकेशन फॉर्म जो है 5 डेज बाद रिलीज होंगी। और आपको कोई भी डाउट हो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।